Now we will talk about the bioassay of D tubercurarin. As we know, the D tubercurarin is a skeletal muscle relaxant and basically it is utilized during the surgical procedure when we require to induce the muscle relaxation. As without the skeletal muscle relaxant, we have, to re we have to administer the higher dose of anesthesia. So, along with the anesthesia,

तो ये एक जनरल लाइन है जो कि आपकी किसी का भी से अगर आता है तो उसके बारे में दो चीजें आपको दो तीन तालियां आपको लिखनी है अब वॉट आर द मेथड्स ऑफ से तो बायोएस से के दो मेथड्स हैं देखिए आप एग्जामिनेशन में एक अगर से का दोनों मेथड लिख के एक भी एक्सप्लेन करते हैं तो भी आपका वो सफिशियंट कंटेंट होगा राइट तो लाइक like से आप बायोएसए ड्यूटी में फर्स्ट मैथड है रेबिट हेड ड्रॉप मैथड और सेकंड है फ्रॉग रेक्टस एबडोमिनिस मसल प्रिपरेशन मेथड तो जैसा कि इसका नाम है ये बहुत ही वेरी सिंपल मेथड है हेड हेड्रॉप मेथड तो हेड हेड्रॉप मेथड में आप जो ये देख पा रहे होंगे इमेज में इसमें रैबिट होल्डर है रैबिट होल्डर के अंदर आपको रैबिट रखना है प्लस उसका जो हेड है वो प्रोट्रूड हो बाहर की तरफ निकला हो और इसके जो मार्जिनल ईयर वेन है उससे आपको डी ट्यूबर कुरेरिन का स्टैंडर्ड और टेस्ट सैंपल वो एडमिनिस्टर करना है राइट right? तो आप जब देखेंगे उसका क्या प्रोसीजर है किस तरीके से आप राइविट को डिवाइड करेंगे so, short, आप जब इसको डी ट्यूबर कुरेरिन मार्जिनल ईयर वेम के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं तो आफ्टर सम टाइम ड्यू टू इट्स नेचर ऑफ डी ट्यूबर कुरेरिनट इज स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट नेचर इसके जो नेक मसल होंगे रिलैक्स होंगी एंड फ्रॉम हेयर की रैबिट अपने नेक को इरेक्ट नहीं कर पाएगा उसका हेड क्या हो जाएगा डाउन हो जाएगा राइट right? तो इसी लिए इसको बोलते हैं रैबिट हेड ड्रॉप मेथड तो इसके जैसे हम प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें डी ट्यूबरक्न हाइड्रोक्लोराइड इज इंजेक्टेड इन टू द मार्जिनल वेन ऑफ अ रेबिट ईर टिल द रैबिट नेक मसल्स आर रिलैक्स दैट द एनिमल कैन नॉट होल्ड इट्स हेड अप एनिमल अपना हेड को ना कर पाए तब हम उस कंडीशन को मानेंगे कि हेड ड्रॉप उसका हो चुका है तो इसका बेसिक जो प्रिंसिपल है इस मेथड का वो ये बोलता है कि द टोटल अमाउंट ऑफ टेस्ट सैंपल रिक्वायर्ड जो हम टेस्ट सैंपल इस एक्सपेरिमेंट में लेंगे उसका कितना अमाउंट उसका किस पॉइंट पे वो रैबिट के हेड को ड्रॉप कर रहा है कंपेयर करेंगे कि स्टैंडर्ड का कितना अमाउंट ड्रॉप कर रहा है तो विद्पऑफ टू प्रोड्यूस द एंड पॉइंट इज कम्पेयर विदोटल अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सिमिलर एंड पॉइंट और सिमिलर एंड पॉइंट का मतलब यहां है रेबिड के हेड के ड्रॉप होने से तो ये आपका रेबिड हेड ड्रॉप मेथड है और बेसिकली इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है वो भी बहुत सिंपल है इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है वो आपको एग्जामिनेशन अपनी आंसर शीट में जरूर मेंशन करना है तो लाइक आपने यहाँ पे एट रैबिट लिए हुए हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया आप चार आ, चार फोर आ, चार आ, चार आ, रैबिट हो गए एक ग्रुप में और रैबिट ने आपने ऐसे होल्डर मतलब प्लेस किया होल्डर में ताकि उसका हेड जो है आउटसाइड हो जैसा कि इमेज में आपने देखा हेड शुड बी फ्रीली मूवेबल ग्रुप वन रिसीव स्टैंडर्ड वाली ग्रुप टू एडमिनिस्टर विद टेस्ट ड्रग तो स्टैंडर्ड क्या है डी ट्यूबर क्रेन सोल्यूशन इज इंजेक्टेड एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड अब आपको यह जरूर मेंशन करना है कि डी ट्यूबर का जो इंजेक्टेड मार्जिनल ईयर वेन से हम उसको दे रहे हैं उसकी जो स्पीड है वो जीरो पॉइंट फोर एम एल पर मिनट स्पीड होनी चाहिए फॉर टेन मिनट्स के लिए हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं एटलीस्ट है, बाई कुरेर इफेक्ट रैबिट इसके बाद कुरेर के इफेक्ट से खुद को रिकवरी कर लेता है लेकिन अगर कई बार अगर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो आपको नियोस्टिगमिन स्टिगमिन जीरो पॉइंट जीरो मिलीग्राम एलॉन्ग विद्रोपिन आप कई बार एडवाइस करते हैं ये आपको मेंशन करना होगा ये इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं अगर ये कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो तो बेटर होगा कि आप इसको मेंशन एग्जामिनेशन आंसर शीट में भी कर दें अब जब ये एक्सपेरिमेंट आपने कर दिया इतने प्रोसेस कर ली इस स्टेप तक तो आपको पता लग गया कि इस टेस्ट की कितना अमाउंट लग रहा है रेबिड को हेडर को ड्रॉप करने के लिए और स्टैंडर्ड का कितना अमाउंट लग रहा है रेबिड के हेड को ड्रॉप करने के लिए तो इसके बाद आप टू मिनिमाइज दॉजल एर आप क्रॉस ओवर टेस्ट भी करेंगे क्रॉसओवर टेस्ट का मतलब है जिन चार एनिमल को आपने स्टैंडर्ड दिया था अब उसको नेक्स्ट में टेस्ट देंगे और जिन चार को आपने टेस्ट दिया था उनको आप स्टैंडर्ड देंगे उसमें आप ये देखेंगे कहीं कोई ऐसी नॉर्मेलिटी या इस तरीके से बायोलॉजिकल मीन्स इट्स सेल्फ रैबिड में तो नहीं थी जिसकी वजह से आपका रिजल्ट कुछ इन्फ्लुएंस हो और यही वजह होती है कि हम शुरू में सेलेक्शन ऑफ रैबिट्स में भी इन चीज़ों का ध्यान देते हैं कि हेल्दी रैबिट हो यूनिफॉर्म डाइट हो इस तरीके से उन चीज़ों को हम देखते हैं

तो जिस तरीके से हमने नॉर्मल डीआरसी बनाई है स्टूडेंट ऑर्गन बात को यूज करके कुछ यूज तरीके का प्रोसीजर है तो इसमें दो चीजें समझने वाली हैं कि रेक्टस रेक्टा मसल ही क्यों लिया क्योंकि ये स्केलेटल मसल का एग्जाम्पल है और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है देखिए बेसिक प्रिंसिपल समझना है इस वाले एक्सपेरिमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है अब आपको क्या लग रहा है कि द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ टेस्ट डी ट्यूबर क्रेनिन मतलब एक डी ट्यूबर क्रेनिन है वो है या नहीं है वो जस्ट आप टेस्ट सैंपल है आपका अब वो कितने वो कितने है है आपको देखना एक एक आपका टेस्ट दी टी, दी टी है हुआ और और आगे हो गया और आप स्टाइल कोलिन है आपके पास मतलब तीन चीजें हैं एक टेस्ट का डी ट्यूबर है और एक स्टैंडर्ड का है और एक आपके पास स्टाइल कोलिन है तो देखिए बेसिक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसमें जो डी ट्यूबरकोन है वो तो मसल को रिलैक्स करेगा मीस कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेगा कम करेगा डीआरसी की हाइट को कम करेगा जबकि एसिटाइल कोलिन डीआरसी की हाइट को प्रमोट करेगा तो कौन सा अब हम एस्टाइल कोलिन भी देंगे और एस्टाइल कोलिन देने के बाद इस डीटीसी को देंगे मिस टेस्ट टेस्ट डीटीसी को अब ये देखेंगे कि टेस्ट के डी क्रोनिन ने एस्टाइल कोलिन के डीआरसी की हाइट को कितना रिड्यूस कर दिया और किस डोज पे किया उसी तरीके से एसिटाइल कोलिन देने के बाद स्टैंडर्ड का डी ट्यूबर कुरैन कितना स्टाइल कोलिन के डोज डीआरसी के हाइट को रिड्यूस किया तो जितना हाइट को रिड्यूस करेंगे उसको हम कंपेयर करेंगे किसका स्टैंडर्ड और टेस्ट का और वहीं से हम टेस्ट की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करेंगे कि टेस्ट में डीटीसी कितना है तो वेरी सिंपल प्रोसीजर है लेकिन हाँ यहां पे चूंकि रेक्टस एब्डोमिनस मसल ले रहे हैं तो उसके लिए हम प्रिपरेशन क्या करेंगे फ्रॉग रिंगर सोल्यूशन है कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको उसमें एरर नहीं करनी है तो अब फ्रॉक को आपने पिथिंग और किया और रेक्टेप मसल को फाइंड आउट कर लिया फ्रॉम द पेल्विक गर्डल टू इट्स इन क्योंकि बैक साइड में द पेल्विक गर्डल होती है वो रेक्टस मसल आपने उसको ऑर्गन बाथ पे माउंट किया ऑक्सीजनेशन प्रॉपर की फ्रॉग रिंगर सोल्यूशन बनाया पी मसल को स्टेबलाइज किया थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट अब मसल को स्टेबलाइज करने का परपज इतना होता है कि इट्स सेल्फ मसल के अंदर खुद का कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं है तो उसको सबसाइड करने के लिए आप मसल को स्टेबलाइज करते हैं प्लस उसमें एक लोड देते हैं राइट इन ऑर्डर टू गेट क्रिटिकल क्वांटिटेटिव अब टू सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन स्टाइल कोलिन से आपने कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट किया अब आप क्या किए स्टैंडर्ड सैंपल दिया और टेस्ट सैंपल का एक इंटरमीडिएट डोज दिया और उसके बाद आपने रिडक्शन इन हाइट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इंड्यूस्ड बाई स्टाइल कोलिन को नोट किया दोनों से स्टैंडर्ड से टेस्ट से और उसको कंपेयर करके आपने क्या निकाला टेस्ट डी टीबर क्रेन की स्ट्रेंथ तो स्टाइल कोलिंग कॉन्ट्रेक्शन थर्टी सेकेंड कॉमन सी चीजें लिखी हैं फिर आपके पास जो परसेंटेज रिडक्शन जो आएगा डीटीसी का टेस्ट का और डीटीसी का स्टैंडर्ड का उसको आपने लॉग डोज और परसेंटेज रिस्पांस के टर्म में आपने ग्राफ प्लॉट किया और वहां से आपने टेस्ट सैंपल की पोटेंसी को कैलकुलेट किया बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड कर्व तो फ्रॉग रेक्टासेप्टॉमस मसाला है अब आप एग्जामिनेशन में अगर हेड ड्रॉप मेथड भी लिखते हैं और आपके पास समय है तो इसको भी लिख सकते हैं अदरवाइज को एक मेथड को आप एक्सप्लेन कर दीजिए लेकिन हाँ में, आप दोनों मेथड के नेम को एटलीस्ट आपको मेंशन करना होगा सो दिस इज ऑल अबाउट बाय से ऑफ डी ट्यूबर कुरेर और उन बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है प्लीज कि जो चैनल के कंटेंट को देखते हैं और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका आपको जब कंटेंट देने का पार्ट मेरा है तो आपको चैनल सब्सक्राइब आप प्लीज़ इसको करिए और अपने फ्रेंड से भी शेयर करिए थैंक यू वेरी मच